हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेल्स ऑफ टेरर। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ गांव देवी देवताओं द्वारा श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर का निर्माण किया था जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान थे। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी है। हस्तर बहुत ज़्यादा लालची था। उसने पूर्ति की देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे तिनकों में बांट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, पर साथ में एक शर्त भी रखी कि अब से कोई भी हस्तर को नहीं पीछेगा और उसे भुला दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसके मंदिर का निर्माण कराया, तभी से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरसता है। लोग कहते हैं कि हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना सोना था उस सब सोने को मंदिर को अर्पित कर दिया, लेकिन वो मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं मालूम। कई लोग वो खजाना पाने की चाह में मंदिर गए पर वापस कभी नहीं लौटे, इसलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम का एक पंडित भी उसी खजाने के लालच में हस्तर की खूब पूजा करता है और वह वहां जाने की सोचता है। उस दिन भी हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरे हुए जानवर की बदबू पूरे वातावरण में फैली हुई। गिरीश अपने हाथ में लैंप लेकर आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर पड़ा। गिरीश ने उसे देखा और उसके आसपास जंगली पेड़ों की लपेट में कई लोग भी अधमरे पड़े हुए थे। यह देखकर गिरीश बहुत घबरा गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसे अचानक एक जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। गिरीश ने छिपकर देखा तो आधा इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके पास से ढेरों चमगादड़ों का झुंड उड़ गया और गिरीश उनसे बचते बचते नीचे गिर पड़ा। उस आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसे जानवर ने गिरीश को देख लिया था और उसने एक जोरदार वार किया। वो जानवर गिरीश को मुंह से घसीटता हुआ हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और नीचे छोड़ के वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थी। गिरीश की तो आंखें चमक उठी और वह अपनी पोटली में सारा सोना भरने लगा। तभी अचानक मंदिर में बहुत जोर जोर से धम धम की आवाज होने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा। जब गिरीश ने नजर उठा के देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा डरावना दृश्य देख के उसके पसीने छूट गए और वो पोटली वहीं छोड़कर बहुत जोर से दरवाजे की तरफ भागने लगा और किसी तरह वो आग में लिपटा हुआ मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश बहुत तेज थी जिससे आग तो बुझ गई, लेकिन उसका सारा शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके बीवी बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से गिरीश सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, और उसने अपना सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांगकर निकाल दिया। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।